होता है विंडो डिफेंडर, जैसा कि आप लोग नाम तो सुने होंगे लेकिन इसको यूज नहीं किए होंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडो माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो डिफेंडर के नाम से जो आप लोग जानते हैं या फिर समझते हैं, वो क्या होता है और जो है वो काम क्या करता है। तो देखिए, जब हम इसको अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये आप पाएंगे गूगल में कि विंडो डिफेंडर इज एन एंटीवायरस मैलवेयर टूल्स, यानी कि ये एक एंटी मैलवेयर टूल्स है, यानी कि एंटीवायरस, मैलवेयर को एक वायरस ही मानते हैं तो एंटीवायरस टूल भी इसको कह सकते हैं। माइक्रो विंडोज डिफेंडर इज ए माइक्रोसॉफ्ट इज ए एंटी मैलवेयर टूल, यानी कि ये जो है ना एक एंटीवायरस टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है विंडो 8 और इसके अदर जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए, और वो जो है वायरस से, स्पाई वायर से एंड अदर फ्रॉम द मालवेयर से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसको जब हम इसमें थोड़ा ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल में, ठीक है, ताकि आपको हिंदी में आपको पता चले कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको जब हम इधर जो है थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे विंडो डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट के विंडो 8 और नए ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया गया एक एंटी मेलवेयर उपकरण है जो कंप्यूटर को वायरस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर और मेलवेयर के अन्य रूपों से बचाने के लिए बनाया गया है। तो यदि आप एंटीवायरस नहीं यूज करना चाहते हैं तो विंडोज डिफेंडर यूज कर सकते हैं। ये विंडो 8 और विंडो 10 में भी है, विंडो 10 प्रो में भी है। तो यदि आप विंडो 10 यूज करते हैं तो आप विंडो डिफेंडर को ऑन कर सकते हैं ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो दूसरे जगह के जो वायरस हैं उससे सुरक्षित रहे। यानी कि यदि आप जब आप नेट ऑन करते हैं, जब आप नेट सर्फ करते हैं तो आपका लैपटॉप जो है वो इंटरनेट पर आने वाले मेलवेयर से जो है प्रोटेक्ट हो। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम इसको एक्टिवेट करते हैं और कहाँ से ये होता है। तो आप सर्च बार में जाकर वहाँ पर सर्च करेंगे ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, ये आगे आ जाता है सामने, ये देखिए एडिट ग्रुप पॉलिसी, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद से ओपन करेंगे। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि विंडो डिफेंडर जो है क्या होता है और वो काम कैसे करता है, कहाँ रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है मतलब कि आपके सिस्टम में किस जगह रहता है ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इसको थोड़ा सा हमें बड़ा कर देना चाहिए ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, चलिए इसको बड़ा कर दिया, ये रहा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पर क्लिक करके ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक विंडो कंपोनेंट इसके अंदर में, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं कंट्रोल पैनल से। तो हम इसको विंडो कंपोनेंट पर जाते हैं। ठीक है, अब विंडो कंपोनेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर अब हमें दिखाई देगा जो हमें ज़रूरत है। ठीक है, क्या मतलब कि वो डिफेंडर माइक्रो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि हमें और अच्छे से दिखाई दे। चलिए मैंने इसको पूरा आधा ही कर दिया। तो देखिए, ये विंडो डिफेंडर एंटीवायरस है, विंडो डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड है, विंडो डिफेंडर एक्सप्लोइटिंग गार्ड है, विंडो डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन है। ठीक है, तो ये सारे जो बने हुए हैं विंडो डिफेंडर, ये बहुत ही यूज के टूल्स हैं और विंडो डिफेंडर एक एंटीवायरस के तरह ही काम करता है। तो हमें ज़रूरत क्या है अभी फ़िलहाल जो है, हम इसको, ये वीडियो का मोटिव है कि विंडो डिफेंडर एंटीवायरस के अकॉर्डिंग काम करता है कि नहीं। तो ये हमारा विंडो डिफेंडर है वो एंटीवायरस के तरह ही काम करता है, यानी कि वो हमारे जो है वायरस से प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को। तो हम जो है विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस को इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए चीज़ें इसके अंदर आ रही है, क्लाइंट इंटरफेस, स्कूलेशन मैप्स, एमपी इंजन नेटवर्क, इंस्पेक्शन सिस्टम। ठीक है, फिर ये क्वारंटाइन और रियल टाइम प्रोटेक्शन, ये सारा का सारा ये इसमें दे रहा है, स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें एंटीवायरस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर आप जो है एंटीवायरस यूज नहीं करते किसी और भी, तो आप सीधे सीधे विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रियल टाइम प्रोटेक्शन क्लिक किया तो यहाँ पर आप साइड में, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए, तो यहाँ पर टर्न ऑफ रियल टाइम प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये टर्न ऑफ करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस पर टर्न ऑन करना है तो यहाँ से टर्न ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर है नॉट कॉन्फ़िगरेबल, यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। ऐसे इनेबल करके यहाँ से ओके कर देंगे, ये देखिए हमने इसको ओके कर दिया।
ठीक है। अब आप इसको टर्न ऑन भी कर सकते हैं यहीं से, ठीक है, सेम चीज़ आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको डायरेक्ट कंट्रोल पैनल पर से भी जो है कर सकते हैं। जो विंडो डिफेंडर है, ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, विंडो डिफेंडर फायरवॉल आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडोज डिफेंडर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए सारे जो है अलाउ ऐप्स कितने अपने एप्लीकेशन को अलाउ किए हैं वो सारा सारे यहाँ पर दिखाएगा। अलग से आप चाहें तो इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों नेटवर्क के लिए, या फिर कौन सा एप्लीकेशन को आप जो है इसके अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं यहाँ से सारा को रिमूव कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद, या फिर इसमें ऐड भी कर सकते हैं अलग से कोई अदर ऐप को। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि विंडोज डिफेंडर क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, विंडो डिफेंडर फायरवॉल क्या होता है, विंडो डिफेंडर एंटीवायरस किस तरह से काम करता है, विंडो डिफेंडर किस तरह से जो है हमें मेलवेयर से जो है हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए राम जी टेक्निकल चैनल को, ताकि आपको विंडो और भी टेक्निकल जो वीडियोस हैं उनके बारे में जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। और मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।